समझ कमी होता है। ये ऊपर से ही लिख के आया है कि भाई अगर मनाना है, जश्न मनाना है, तो सब लोग साथ में मनाओ। ये हमारी देश की खासियत है, यही हमारे लोगों की खासियत है, और यही हमारे शोलापुर की खासियत है। आज हम सब लोग यहाँ पे हैं, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक लेके अमान चैन और शांति, जैसे फारूक भाई ने कहा, वही लेके हम नौजवान चल रहे हैं। इस देश को एक रखना या देशाला अखंड ठेवना, जर कोणी आपल्या मध्ये भेदभाव करत असेल तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको अभी सबक सिखाने का वक्त आया है। मैं आपका तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक सेक्युलर कैंडिडेट चुना है शोलापुर के लिए, और क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट शोलापुर में आया, अभी किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे दंगे या झगड़े लगाने की, किसी को किसी ने हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अपन अनेक वर्षा पास एकत्र रहो, एकत्र सण साजरे करतो, आणि हे कोणीतरी येऊन पेटवा पेटवीचं ह्याच्याशिवाय बीजेपी कडे दुसरं काय आहे, दुसरा कुछ नाही, काहीच नाही आहे। आणि म्हणून आपण सतर्क राहून हमारे आपके हमारे वतन साथी हो, अभी जरूरत है कि हम सब लोग साथ में मिलके दोबारा एक सेक्युलर देश, एक सेक्युलर भारत, एक सेक्युलर शोलापुर वापस हम निर्माण करें। खत्म नहीं हुआ था लेकिन विकसित करें, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ। और फारूक भाई, इस लड़ाई में, इस सेक्युलर अगेंस्ट फैसिस्ट की जो लड़ाई है, धर्म जात पात एक जगह और सेक्युलर एक जगह, इसमें आपने हमारे शोलापुर के लोगों को साथ दिया, मैं आपका भी भाई, आप हमेशा इनके प्रोग्राम करते हैं, जरूर आज याद आ रही है आपके भाई की, लेकिन वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे क्योंकि आप इतने अच्छे प्रोग्राम ले रहे हैं अमान चैन और शांति के। आपने मुझे, हम सबको इस प्रोग्राम में बुलाया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके आपकी इजाज़त देती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।